मणिपुर में हो रहे लगातार हादसों को लेकर आज राजधानी दिल्ली के प्रेस क्लब में मणिपुर के संस्थाओं ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि विदेशी तत्वों द्वारा समर्थित कुकी आतंकवादियों द्वारा मणिपुर में भारतीय गांव पर हाल ही में की गई हवाई बमबारी से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अभूतपूर्व खतरनाक खतरा पैदा होने की चिंता बढ़ गई है। 1 और 2 सितंबर को घाटी में हाईटेक मिलिट्री ग्रेड ड्रोन और सशस्त्र आक्रमणों का उपयोग करके एक साथ हवाई बमबारी की गई। बमबारी के बाद कुकी आतंकवादी भरी हुई बंदूकों के साथ एम्बुलेंस में आए और निर्दोष ग्रामीणों पर हमला किया। इस हमले में एक युवा मां और एक व्यक्ति की मौत हो गई है। 10 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें एक पुलिसकर्मी, एक पत्रकार, मृतक महिला की 8 वर्षीय बेटी और कुछ अन्य लोग शामिल है। जैसे ही ग्रामीण सुरक्षित स्थानों पर भागे, आतंकवादियों ने आगजनी और लूटपाट जैसे आतंक का राज शुरू कर दिया। दिल्ली मणिपुर सोसाइटी DMAS, मैती हेरिटेज सोसाइटी और निडो यूनाइटेड प्रोग्रेसिव इनिशिएटिव द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन आतंकों और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरनाक खतरे को उजागर किया गया। इस प्रेस वार्ता में मणिपुर के कई बड़े मुद्दे उठाए और राज्य सरकार और केंद्र सरकार से जल्द कड़ी कार्रवाई करने की मांग भी की। और क्या कुछ कहा, आगे सुनाते हैं इस रिपोर्ट में। 14 के बाद मोदी सरकार ने काफ़ी प्रयास किए हैं नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट में, नॉर्थ ईस्ट में शांति की लहर बनाए रखने के लिए और नॉर्थ ईस्ट को मेन स्ट्रीम के साथ जोड़ने के लिए। तो आज जो कुछ भी मणिपुर में हो रहा है, मैं ये मानता हूँ कि कल जाके किसी भी नॉर्थ ईस्ट के राज्य में, क्या देश के किसी भी राज्य में हो सकता है। अभी हमने तो हाल ही में देखा बांग्लादेश में क्या हुआ। हम बांग्लादेश में क्या हो रहा है और मणिपुर में क्या हो रहा है, उनको हम अलग से देख नहीं सकते। एक लार्जर एजेंडा है। हम मानते हैं कि इसमें फॉरेन हैंड ज़रूर है, लेकिन क्योंकि डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं फॉरेन कंट्रीज़ के साथ, और जब तक हम किसी देश के साथ टेक्निकली एट वार नहीं होते, हम उस देश का नाम नहीं ले सकते हैं। लेकिन ये बात पूरे कम्युनिटी को, सबको पता है कि कौन सा देश इसमें क्या रोल प्ले कर रहा है। अब बात आती है कि हमारे पास ऑप्शंस क्या है। हम सिविल सोसाइटी को बिलोंग करते हैं। हमारी सरकार से यही मांग रहेगी कि आप अब तक जो करते आए थे अच्छा करते आ रहे थे, लेकिन ऐसे इशू को जहाँ पे सिविलियंस की दिन दहाड़े मौत हो रही है, खास करके आज 15 महीने बाद जहाँ पे ड्रोन्स मिसाइल्स का इस्तेमाल हो रहा है, आपको इस मुद्दे को और भी सीरियसली लेना होगा। आपको अपना प्रयास और भी प्रखर करना होगा। इसके साथ साथ अगर आपको ज़रूरत पड़े, जहाँ ज़रूरत पड़े, आपको फोर्स का भी इस्तेमाल करना होगा। अगर अब तक सरकार ये समझ रही थी कि फोर्स हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, उनकी सोच एक तरह से सही थी कि अपने सिविलियन पॉपुलेशन पे कोई भी फोर्स इस्तेमाल नहीं करना चाहता, कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता है। लेकिन अगर ये डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप है, तो सरकार को क्या ऐसी चीज़ें जो रोक रही है कि सरकार फोर्स यूज़ करे? मेरा सरकार से यही सवाल है। सरकार, दो सरकार है, एक तो मणिपुर स्टेट का सरकार है, एक है सेंट्रल का सरकार है। सो पब्लिक का ओपिनियन ये है कि क्या हो रहा है पब्लिक को पता नहीं है, और लड़ाई हो रहा है। थोड़ा सा पीस का टाइम आया, 3-4 महीना थोड़ा शांति से बैठा, कार्रवाई चलने लगे, देन फिर क्या हुआ, ड्रोन का बॉम्बिंग आ गया। उसके बाद फिर 3-4 दिन के बाद फिर RPG वो दागा दिए। सो नाउ पूरा डिस्टर्ब है बेसिकली, और पता नहीं है कि नेक्स्ट में जो ड्रोन जो है कहाँ आएंगे, कौन से साइड में आएंगे। अभी पूरा वैली जो है वो कुकी ने पूरा 360 पूरा साइड से कवर करके रखा हुआ है, पूरा कवर है चारों तरफ से। और हम जो है वैली में रहते हैं, वैली का जो है उन्होंने क्या किया था, 2 प्रोपेगेंडा शुरू की थी पहले में। मेजोरिटी हिंदू, उन्होंने माइनॉरिटी क्रिश्चियन को मार दिया, वो गलत है बिल्कुल, ठीक है। रिलीजन का कोई एंगल है ही नहीं इसमें, उसमें ये बोल दिया। सेकेंड वाला है मेजोरिटी मणिपुरी, उन्होंने माइनॉरिटी ट्राइबल को मार दिया, और ट्राइबल तो मेरा सर आसाम का सर भाई भी बैठा हुआ है, कुकीज है, नगाज है, कुकी लोग ये एलिगेशन लगा कर रखा हुआ है। नगाजा ऑल्सो दे, उनका ज़्यादा स्ट्रेंथ है मणिपुर में। आज की प्रेस हमारा डिमांड ये है कि जो 16 महीने से प्रॉब्लम चल रहा है वहाँ पे, इतनी किलिंग्स हो रहा है, उसको जल्द ही जल्द सामने पे ले आए। बेसिक प्रॉब्लम ये है कि हथियार लोगों के पास है, एक तरफ से सू के नाम पर हथियार उनको दे रखा हुआ है, और जब 3 मई को जब ये क्लास शुरू हुआ था तो लाइफ्स को सेव करने के लिए कुछ लोगों ने हथियार फोर्सेस से भी लिया हुआ है। सबसे पहले हथियार को डिसआर्म होना चाहिए, लोगों से डिसआर्म होना चाहिए। गवर्नमेंट ने बफर जोन लगाया हुआ है, लेकिन वो एनफोर्स सही तरह से नहीं हो पा रहे।
फॉर एग्जांपल जो 1 तारीख को हुआ है, 1 सितंबर को जो हुआ है, अगर आप देखोगे तो एक एम्बुलेंस पे जो लिमखोंग से लिया था उसी पे ही कोटरुक पे आया था। और ये प्रोजेक्ट करना चाह रहा था कि खुद ही मैतेई विलेज से मैतेई लोगों को मारपीट कर रहे हैं या लड़ाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब जो बफर जोन है वो सही तरह से एनफोर्स नहीं कर पा रहे। फोर्सेस बहुत है, सेंट्रल फोर्सेस बहुत है, लेकिन दे आर डूइंग देयर बेस्ट, दे आर पुटिंग देयर ऑल द एफर्ट्स। आप कहीं ना कहीं फोर्स भी मिली हुई है? नहीं, मैं वो नहीं कहना चाहूँगा कि वो नहीं कहना चाहूँगा। एडमिनिस्ट्रेशन कमज़ोर है? एडमिनिस्ट्रेशन अभी वहाँ पे एम्बिग्विटी पर है, हु इज़ इन चार्ज ऑफ द सिक्योरिटी। कभी कभी आपने लेकिन आई वुड नॉट लाइक टू गो इन टू द पॉलिटिकल डोमेन, सिर्फ ये है कि क्लेरिटी नहीं है। इट शोज विथ सो मच सिक्योरिटी फोर्सेस, येस वी आर ऑल ह्यूमन बींग, वी वन कैन आउटडू द अदर, इट्स बैटल ऑफ द माइंड ड्वेल। एनबीसी न्यूज़ के लिए नई दिल्ली से विशेष कुमार की रिपोर्ट।